IPL 2020 में गुरुवार का मैच टीम इंडिया के कप्तान और IPL में RCB के कप्तान विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा मैच साबित हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली जब इस मैच के टॉस के लिए मैदान पर आए तो इसी के साथ ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने अपनी टीम RCB की ओर से अपना 200वां मैच खेल लिया। विराट कोहली ने पहले IPL से लेकर अब तक केवल एक ही टीम RCB के लिए खेली है। पहले वो बतौर खिलाड़ी थे, अब वो टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। हालांकि वो लंबे समय से कप्तानी करने के बाद भी अभी तक एक बार भी IPL की ट्रॉफी अपनी टीम को नहीं जिता सके हैं। अभी तक विराट कोहली अपनी टीम RCB के लिए 200 मैच खेल चुके हैं, इसमें से 185 मैच तो उन्होंने IPL में खेले और 15 मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेले। विराट कोहली के नाम अब तक 6140 रन है, वहीं उनके नाम 40 अर्धशतक भी दर्ज हुए हैं। इसके अलावा वो अब तक 5 शतक अपनी टीम के लिए लगा चुके हैं। विराट कोहली अपनी टीम RCB के लिए खेलते हुए 38.55 का उनका रन रेट रहा है और विराट कोहली ने अब तक 132.57 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली का उच्चतम स्कोर 113 रन रहा है और गुरुवार के मैच में भी विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए 48 रन बनाए, हालांकि वो अपने अर्धशतक से 2 रन दूर रह गए। IPL के इतिहास में बतौर कप्तान MS धोनी ने 4,275 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जैसे ही 10 रन पूरे किए वो MS धोनी से आगे निकल गए। हालांकि अभी IPL 2020 के लिए बहुत से मैच बचे हुए हैं और MS धोनी का बल्ला चला तो वो विराट कोहली को फिर पीछे छोड़ सकते हैं। अभी तक IPL में MS धोनी का बल्ला उस तरह से नहीं चला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर ने 3,518 रन बतौर कप्तान IPL में बनाए। गौतम गंभीर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे हैं और 2 बार उन्होंने KKR को IPL भी जिताया। हालांकि इन तीनों में फर्क इतना है कि गौतम गंभीर और MS धोनी 2 टीमों के कप्तान रहे, विराट कोहली केवल RCB के कप्तान रहे हैं। दुनिया लॉक, लेकिन IPL ऑन। पिच पर कौन इन और कौन होगा आउट? रणभूमि में किसकी दिखेगी पावर? 8 टीमों की धुआंधार टक्कर। लीग के हर मैच का, टॉस से आखिरी कैच का, हर अपडेट रहिए अप टू डेट। देखिए NN Sports।